ये गाड़ी है 12.5 लाख में। वहाँ पे चल रहा हूँ, आपको अच्छे रेट में, सस्ते रेट पे बड़ा अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाएगा वहाँ पे, ले सकते हो। थोड़ा सा आपने नेगोशिएट भी कर सकते हो, यहाँ पे बार्गेनिंग कर सकते हो, आप बताए 20,000 पाउंड तक क्लेम कर सकते हो। ये हमारा लेस्टर का चावड़ी बाजार है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, वेलकम बैक टू व्लॉग्स। आई होप के सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा, भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मैं गया नहीं यार, आज छुट्टी थी तो सोचा कि गुरुद्वारा आता हूँ, ठीक है। और उसके बाद आपको लेस्टर मार्केट घुमाऊंगा, ठीक है। लेस्टर मार्केट में भाई मंडी है प्रॉपर, पूरी इंडिया वाली होती है ना मंडी, सब्जी मंडी, वो दिखाऊंगा। बोलियाँ लगाते हैं भाई यहाँ पे 10 रुपये किलो 10 रुपये किलो, बस वो इंग्लिश में बोलते हैं, समझो, ठीक है। तो बाकी उसके बाद फिर आपको हाई क्रॉस मॉल भी दिखाऊंगा, जो यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस मॉल है सिटी सेंटर में। बाकी चलते हैं, करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू, और बिना किसी देरी के चलो गुरुद्वारा चलते हैं। देखो भाई गुरुद्वारे पहुंच गए, कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना अच्छे से सजाया हुआ है। सजाया तो पहले का ही था शायद, मैं बाद में देख रहा हूँ। चलो कोई नहीं, चलो अंदर चलते हैं और फिर मत्था टेकते हैं, और फिर उसके बाद चलते हैं लेस्टर के मार्केट में। चलो भाई हो गए रेडी, लेट्स गो। चलो भाई अब चलते हैं घर पे, मैं गुरुद्वारा मत्था टेक आया हूँ, बहुत सारे भाई मिले यार, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। तो अभी फिलहाल घर पे चलते हैं, तो थोड़ी मेरे को रेस्ट ही है, मेरे को पता नहीं पेट दर्द हो रही है बड़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल की, मतलब क्रैम पड़ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बाकी घर चलते हैं, कंटिन्यू करेंगे ब्लॉग शाम को। भाई ये देखो क्या व्यू आ रहा है यूनिवर्सिटी का, भाई जैसे घर में घुसा हूँ ना मैं, केलॉग्स मिल गए भाई, फ्री के चॉकलेट दिए रिसेप्शन वाले। तो भाई अब मैं यहाँ पर उठ चुका हूँ, तो अभी थोड़ी देर में चलेंगे लेस्टर सिटी सेंटर के मार्केट में, ठीक है। आपको आगे तो घंटी दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो बने रहेगा ब्लॉग के साथ। तो फिलहाल के लिए मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि भाई जो भी लोग मेरे से इतने सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, भाई अकोमोडेशन नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, अकोमोडेशन दिला दो, अकोमोडेशन दिला दो, तो भाई मैं आपको एक बड़ी तगड़ी टिप बताने वाला हूँ, उनको मैं बैठ के बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एम्बेसडर के बारे में, आपने तो नाम सुना ही होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपने पहले भी अपने वीडियोज़ में इसका नाम लिया हुआ एम्बेसडर का, क्योंकि जब मैं यूके लैंड हुआ था ना, लैंड होने से पहले मैं भाई एम्बेसडर से अपने अकोमोडेशन बुक करके आया था। तो आपने देखा होगा मेरे अकोमोडेशन टूर तो मैंने अपने वीडियो में डाला ही हुआ है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें भाई इंक्लूडेड ही है, जिम मेरी इंक्लूड है, पानी का बिल, मेरी इलेक्ट्रिसिटी बिल, फिर उसके बाद मेरी पार्किंग, मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें भाई मेरे को मिल रही हैं, ठीक है। और इनका जो रिसेप्शन है भाई वो भी 24/7 है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं इनके पास जाता हूँ। तो मैंने कहाँ से बुक करी थी, एम्बेसडर से, ठीक है। तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से अपने अकोमोडेशन को बुक कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको 50 पाउंड का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। और हाँ एक और चीज़, आप अपने जो अकोमोडेशन है बिल्कुल अपने यूनिवर्सिटी के पास बुक कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस बचेंगे, और अगर आप जल्दी बुक करते हो तो भाई आपका एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे, पता कैसे, क्योंकि आपने पहले बुक करके रखी होगी, है ना। अगर आप जल्दी बुक करके रखोगे तो जो अकोमोडेशन है ना उनका रेंट बढ़ेगा नहीं, क्योंकि भाई जो आने वाला टाइम है ना, फरवरी को भी चल रहा है, मार्च आने वाला है, तो इसका मतलब है भाई प्राइस बहुत हाई होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप जल्दी बुक कर लो तो आप पूरे साल का ना 3,000 पाउंड तक आप सेव कर सकते हो, क्योंकि भाई लिटरली बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है अकोमोडेशन सच में। अगर मैं ट्रैवल की बात करूँ तो आप आराम से 2,000 पाउंड भी आप उधर से भी सेव कर सकते हो, विच मीन्स आप 5,000 पाउंड आप सेव कर सकते हो पूरे साल में, क्योंकि अभी अकोमोडेशन का जो रेंट है ना वो स्पाइक करने वाला है, और ट्रैवल एक्सपेंस तो भाई वैसे भी है ही। तो जितना जल्दी हो सकता है जल्दी से बुक कर लो, 50 पाउंड का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा आपको। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप लेस्टर में यूज़ कर सकते हो, इसको आप पूरे के पूरे यूके में यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में भी एम्बेसडर अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, और इनकी सर्विस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो एम्बेसडर का जो स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा पोलाइट है, क्योंकि भाई मैंने भी वहीं से बुक करी थी, ठीक है, जैसे कि आपने मेरे पहले वीडियोस में देखा होगा। तो भाई जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको लिंक दिया हुआ भाई ने, जल्दी से अकोमोडेशन बुक करो और भाई मुझसे मिलो यार आके। तो अब जल्दी से तैयार होते हैं और चलते हैं लेस्टर मार्केट। चलो भाई दोस्तों अब चलते हैं हम सीधा सिटी सेंटर में, हवा थोड़ी सी ज़्यादा चल रही है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट टेम्परेचर भी 12 डिग्री है, तो चलते हैं जल्दी से सिटी सेंटर, फिर आपको मार्केट दिखाता हूँ। तो भाइयों मैं आ चुका हूँ लेस्टर की मंडी में, अब आपको मैं आके सब्जी मंडी दिखाता हूँ लेस्टर की। ये इसकी एंट्रेंस है, ठीक है, यहाँ पर नॉन वेज एरिया, यहाँ पर सब कुछ आपको नॉन वेज मटेरियल मिलेगा, ठीक है, इस बिल्डिंग के अंदर सब कुछ नॉन वेज है, ठीक है। तो ये आगे हमारी मंडी, ठीक है, ये देख लो, यहाँ पे आपको वही सब देख लो, लड़कियों का ये सामान मिल, पर्स वगैरह भी मिल जाते हैं, सब्जी मंडी देख लो, सब्जी लगी है यहाँ पे अभी, तो भाई ब्रोकली, कितने कितने सुंदर सब्जी है यहाँ पे देख लो,
यहाँ पे प्रॉपर बोलियां लगाते हैं, बोलते हैं 1 pound एवोकाडो 1 kg ऐसा। ये देखो 1 pound लगा ऐसा, ये देख लो ये भाई, देखो एवोकाडो, ये डेट्स देख लो। हमारी यहाँ की सब्जी मंडी, इलेक्ट्रॉनिक सामान वाली मंडी भी है भाई, सब मिल जाता है यहाँ पे हमारा। ये प्रॉपर इंडिया मार्केट ही समझ लो यार, यहाँ पर मतलब जैसे होता है ना चावड़ी बाजार दिल्ली का, ये हमारा लेस्टर का चावड़ी बाजार है। अभी देखना कोई मिलेगा बोली लगाते दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये देखो कैसे बोली लगाते हैं यहाँ पे, देख रहे हो। ये एक आंटी भी खड़ी है यहाँ पे, देख लो स्ट्रीट मार्केट लेस्टर मार्केट की। यहाँ पे जूसेस वगैरह मिलते हैं, शॉर्म वगैरह मिल जाता है यहाँ पे। अब मैं आपको नॉन वेज वाली मार्केट दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो लेस्टर मार्केट फूड हॉल, ठीक है। यहाँ पे आप भाई नॉन वेज आइटम हर एक आइटम मिल जाएगी भाई, सी फूड से लेके सब, ये फिश वगैरह। अभी तो शायद थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, अभी बंद हो जाएगी 5 बजे के आसपास बंद होती है ये, ठीक है। अभी तो इतना सैटरडे है, तभी वरना अभी तो थोड़ा लेट ही बंद होती है, पूरा फ्रोजन एरिया है। तो भाई साहब अभी तो इतना कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि भाई बंद होने वाली 5 बजे बंद होती है। अरे यार लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया। ये प्राइस वगैरह लिखे हैं यहाँ पे, ये सारा मतलब इतना समझ लो हर एक सामान मिलता है यहाँ पे नॉन वेज आइटम इस फूड हॉल के अंदर, ठीक है। ये कोई चाइनीज रेस्टोरेंट है, यहाँ के लेस्टर मार्केट पहले ही एंट्रेंस थी इसकी, बट इन्होंने रिलोकेट कर दिया। अब यहाँ पे लिखा भी है वी हैव रिलोकेटेड, ये आगे से इसका एंट्रेंस। पूरा घूम के आना पड़ा यार मेरे को, फिर से जाना पड़ा। चलो ऐसा नहीं कि खाली मंडी में सामान मिलता है, मंडी के आसपास वाली शॉप्स भी है जहाँ पे आपको शूज मिल जाएंगे, सब्जी वगैरह मिल जाएगी मंडी के अंदर, मतलब हर एक चीज मिल जाएगी आपको। बहुत सस्ते सस्ते बैग्स मिल जाएंगे, फ्रूट सब्जी वगैरह तो चलो ऑब्वियसली है ही ना यार। यही तो हमारी पुरानी मंडी, ये अंकल खड़ा था यहाँ पे, अच्छा इन्होंने उठा के आगे कर दिया। मतलब जो आपको मैंने अभी मंडी दिखाई ना, वही लेस्टर मार्केट की सही मंडी है, क्योंकि वो पहले यहाँ पे थी, अब वो रिलोकेट होकर वापस दूसरी जगह होगी। ऐसे में तो 2 साइड थी, इधर भी थी उस साइड भी थी, अब एक ही साइड कर दी। इधर पता नहीं कुछ कर रहे होंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह चलेगी इधर, अभी फिर से काम वाम शुरू होगा, तब बताएंगे आपको जब नई मंडी बनेगी तब दिखाऊंगा फिर से। अभी फिलहाल की जो मंडी है ये तो वही मंडी है, आपको दिखा दी मैंने। इतनी बड़ी मंडी नहीं लेकिन सही है, जो भी है छोटी सी मंडी है, सब मिल जाता है क्योंकि लोग भी ज़्यादा नहीं है ना यहाँ पे, तो उस हिसाब से छोटी मंडी भी काफ़ी बड़ी है क्योंकि लोग भी कम है, तो रिक्वायरमेंट भी कम है, उस हिसाब से बहुत सही है। ये इतनी सी मंडी है बस यहाँ पे। यहाँ पे आपको इंटरनेशनल बैग्स होते हैं ना प्रॉपर भाई, सब मिलता है यहाँ पे बहुत सस्ते सस्ते, फोन के कवर और लैपटॉप के कवर बैग्स वगैरह, ये सब बड़ा सस्ता और बड़े सही प्राइस में मिल जाता है। थोड़ा सा आप नेगोशिएट भी कर सकते हो यहाँ पे, बार्गेनिंग कर सकते हो आप। ये देख लो भाई ये बैग्स वगैरह बड़े, वो देखो एक घंटा कितना मस्त लग रहा है यहाँ से। ये भी मंडी है हमारी पूरी, उस साइड तो थी यहाँ पे भी है। ये तो भी बंद हो रही है यार, 5 बजे बंद हो रही है ना ये आगे भाई। ओ भाई साहब ये 25 pound का ये कोट है, कितना मस्त। और ये भी, ये तो वाटरप्रूफ ही है ये पूरा, कितना सही है यार। ये देख लो ब्लैक सूट, वो देख लो भाई गांजे वांजे टोपी शोपी सब है। तो भाई वो यहीं तक थी लेस्टर की मंडी, छोटी सी मंडी बड़ी क्यूट सी, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हाई क्रॉस मॉल, ठीक है। हाई क्रॉस मॉल भी शायद अभी जल्दी बंद हो जाए, तो जितना जल्दी हो सकता है मैं हाई क्रॉस मॉल पहुँचता हूँ, मतलब बंद हो जाएगा लेट हो रहा बहुत। चलो भाई इतनी सुंदर मार्केट लग रही है ना, मैं अगर आपको मार्केट दिखाता हूँ, रात को शायद लाइट भी दिखती होगी इसमें, और ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखो एक बार भाई, शायद वीडियो नहीं इतना अच्छे से जस्टिफाई कर पा रही होगी, बट जनरली बड़ी अच्छी लग रही है ऐसे। इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है शाम के टाइम में। मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देता हूँ, अगर आपको लगेगा आपको छोटा मोटा सामान चाहिए ना, फेविक्विक होगी, ब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, शैम्पू वैम्पू हो गए, ये छोटे मोटे, अगर आपको ये सब बेसिक वाले चीज़ चाहिए और सस्ती में चाहिए, तो एक काम करो पाउंडलैंड चले जाओ, ठीक है। पाउंडलैंड की भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आगे, ठीक है। वहाँ पर चल रहा हूँ, आपको अच्छे रेट पर सस्ते रेट पर बड़ा अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाएगा, वहाँ पे ले सकते हो। जो छोटी मोटी चीज़ें होगी, स्टेशनरी टाइप आइटम होगी, या ये सब चीज़ें आप पाउंडलैंड से ले सकते हो जाके, बहुत सही है। हमारा चेहता घंटा घर आ गया, हम अभी मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी से अभिषेक भी आए, फिर उसके बाद हम हाई क्रॉस मॉल चलते हैं, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, तो जैसे आते फिर चलते हैं। बाकी देख लो यार, ये हमारी मार्केट, ये हमारा घंटा घर, और ये अंकल हमारा सफाई कर रहे हैं बेचारे, और ये पीछे पूरा ऐसा भी हो गया। अभी बज रहे करीब 4:20, ठीक है। मेरे हिसाब से 5 बजे या फिर 7 बजे हाई क्रॉस बंद होता है, मैंने मैप पे चेक नहीं किया, अभी चेक करना, उस चक्कर में जल्दी जल्दी आना पड़ गया मेरे को। अभी फिलहाल चलते हैं हाई क्रॉस, ये का वेट करता हूँ।
जल्दी आते हैं, जल्दी हाई क्रॉस दिखाता हूं आपको। तो अब देरी नहीं करते हैं, चलते हैं जल्दी से हाई क्रॉस। भैया आ गए, ठीक है। अब आपको हाई क्रॉस मॉल दिखाता हूं, वरना बंद हो जाएगा यार। क्या था और कैसे हो? आज चलिए ठंड का मैं, लेकिन बर्फ़ पड़ने वाली है इस मंथ के एंड तक। अगले महीने पड़ जाएगी, गादा भाव में ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो फिर बाद में लूँगा यार, फिर बाद में फिर ये प्राइस वगैरह कर देते हैं, क्या है ना। इससे अच्छे जल्दी जल्दी ले लो सामान। हाई क्रॉस मॉल के अंदर घुस चुके हैं। ये भाई हो गया एंट्रेंस। ये भाई आते ही लश ब्रांड है, लड़कियों को पता होगा। मेरे को कोई आइडिया नहीं लश यूज़ क्या चीज़ है, लेकिन लड़कियों को ब्रांड है, तुम्हें पता है। ये देखना, ये कितना छोटू सा। यहाँ पर काफ़ी सारे ब्रांड हैं, लेकिन अगर आपको भाई शूज़ लेने हैं ना, तो JD में चला जाओ। JD में भाई सारे के सारे शूज़ के ब्रांड हैं। वहाँ पे आपको तगड़ी डील और लिमिटेड एडिशन वाले शूज़ भी मिल जाएंगे। कपड़े भी होते हैं उनको, ऐसा है नॉर्थ फेस से लेके नाइकी एयर जॉर्डन, भाई हर एक चीज़ है वहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया भाई वोडाफोन, ठीक है। ये भाई फ़ोन की रिपेयर वाली शॉप है। और ये पता नहीं क्या भाई, देख लो मेरे को कुछ नहीं पता। और ये देखो एक कुत्ता भाई, हमारे यहाँ पे मॉल में कुत्ते घूमते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे रहे बाइट वाइट ना कर ले, ठीक है। साल में दो बार कुत्ते कटवा लो भाई, साल में 6 महीने में 1-6 महीने में 40-40 लाख तक। दो बाइक में तीन शोरूम है, ठीक है। किड्स का सेक्शन अलग है, मेंस का सेक्शन अलग है, और वुमेंस का सेक्शन अलग है। भाई तगड़ा, बहुत अच्छा। ईस्टर आने वाला है भाई, सेल लगेगी बड़ी अच्छी। सामान ले लेना ज़ारा से, भाई बड़ा सस्ता मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ जो बहुत सारे लड़के शौकीन होते हैं जिनके, भाई घड़ियों के। हमको भाई जाना है रोलेक्स में, इतना ज़बरदस्त ब्रांड है ना भाई यहाँ पे घड़ियों के। मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छे, आपको दिखाता हूँ रोलेक्स मेरी पर्सनल फेवरेट। वो बात रहा मेरा सहन याद है, रोलेक्स एक टाइम जरूर आएगा, मैं उसका व्लॉग बनाऊंगा जब मैं रोलेक्स में यहाँ पे कस्टमाइज्ड। ये देखो रोलेक्स यार, ये वाली मैंने देखी पहले भी। ये घड़ी कितने की पता है? ये घड़ी है 12.5 लाख रुपए की, देख रहे हो 12,500। इतना देख के बंदा यूके आ जाए, कसम से यूके आ जाए इतना पैसे देख के बंदा। 45 लाख रुपए की घड़ी है ये, 45 लाख रुपीज की घड़ी, 46 ही मान ले, 46 ही हो गया। हाँ तो अब आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे और क्या क्या है। वो आ गया भाई एप्पल, हमारा प्यार एप्पल। में भाई इतना रश में पहली बार जिंदगी में देख रहा हूँ, भरा पड़ा है। इतना क्या सामान लेने आ गई पूरी दुनिया में, शिफ्ट ज्यादा लगा के पैसा इकट्ठा हो गया। एप्पल खाली करेंगे आज, कैश भी ड्रॉप करें कैश पे। ये आ गया मेरा नॉर्थ फेस, ये आ गया नेक्स्ट, और ये न्यू लुक मेरे को नहीं पता क्या है, ये जो भी है देख लो आप, ठीक है। यहाँ से आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का। तो इसके जाने का रास्ता वो, वहाँ से लोग जा रहे हैं। इसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं और कुछ स्ट्रीट्स भी हैं जहाँ पे आपको स्ट्रीट फूड मिल जाए। और यहाँ से जाओगे तो इधर भी सेम ही है, थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पे मार्केट है छोटी सी। फर्नीचर वगैरह लेना हो तो यहाँ पे बिल्कुल मत आना, क्योंकि बहुत महंगा है। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कुछ भी आइटम लेने ना एक्स्ट्रा, जो आपको लगता है कि आपको सजा सस्ती कहीं मिल सकती है, तो भाई यहाँ पर मत आना। ये हाई क्रॉस वॉल थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये देख लो भाई क्रॉकरी। भाई ये पूना 2 पाउंड का होगा ये पूना, और वो भी खरगोश के साथ खरगोश के साथ पूना। भाई ये वो नहीं लग रहा पोर्ट क्या कमी है कमोड भाई। अगर आप इसमें भी आते हो तो इसके अंदर बहुत सारे ब्रांड्स के आपको सामान मिल जाएंगे। यहाँ पे पता क्या होता है, मतलब ब्रांड्स के अंदर ब्रांड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया JD के अंदर ब्रांड्स है शूज वाले, है ना, नाइकी एडिडास प्यूमा जो भी है सब है वहाँ पे। तो ऐसे करके एक प्राइमार्क भी है, वहाँ पे छोटे मोटे ब्रांड होते हैं। वहाँ पे ज़्यादातर ना लोकल सामान होता है, लेकिन वो उनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। अगर मैं इंडिया को प्राइमार्क के साथ कंपेयर करूँ ना इंडिया में, तो वो अगर आपने विशाल मेगा मार्ट सुना होगा ना, विशाल मेगा मार्ट और प्राइमार्क सेम चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ियों की सेलिंग हो रही है, मार्केटिंग हो रही है, यहाँ पे प्रमोशन के लिए लगा दी बीच में। ये देख लो भाई सुपर ड्राइव है यहाँ पे, बोली भाई बहुत सही है यार यहाँ पे। और भी मतलब लगा लो यार, अंधे ब्रांड है अंधे। अगर आपको ब्रांड में शॉपिंग करनी है ना, तो इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है। बट हाँ नॉर्थ फेस तो बहुत महंगा है। अगर आपको नॉर्थ फेस का कुछ भी चाहिए ना भाई, इंडिया से ले आओ चाहे डुप्लीकेट ले आओ, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही होता है। तो उसको यूनिट डिस्काउंट मिलता है।
और अगर आप यहाँ पे आते हो ना, अगर आपको चाहिए डिस्काउंट हर एक चीज पे, यूनिटेस डाउनलोड कर लो भाई, मस्त एकदम डिस्काउंट मिलता रहेगा आपको। ठीक है, ये परफ्यूम्स का भी साथ साथ है, घड़ियों का भी साथ साथ। अरे राडो यार, बड़ी सही लगती है मेरे को, इसकी प्रमोशन चल रही है भाई। मॉल के अंदर क्यों चार्ज कर रहा है वो? चार्ज स्टेशन दिया है क्या? मॉल के अंदर चार्ज कर रहा है, बाहर लगा लेता चार्ज कर। ये पार्किंग में ये भाई चॉकलेट का होटल है, प्रॉपर होटल नहीं है, मतलब इसी की बात कर रहा था मैं, जेडी की। ठीक है, बच्चे मजे करते हुए। ओ भाई, लड़कों के दिलों में लेके चलता हूँ, लड़कों का तो प्यार होता है। ये देखो भैया, ये मेरा वाला शू है। वैंस यहाँ पे भी मिल जाएगा, वैंस तो भाई मतलब यहाँ पे तो बड़ा बेसिक है, वैंस कॉन्वर्स वगैरह तो बड़े बेसिक से है। एयर जॉर्डन भी बेसिक ही है, न्यू बैलेंस नहीं है ये, काफी ट्रेंड में ये वाला शू। अच्छा, कितनी बार इसके ये वाला से वैसे आपको जेडी में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ओनली एट जेडी। ये देख लो भाई, वैंस यहाँ पे है 75 पाउंड के, अच्छे हैं यार, लेकिन मेरे वाले नहीं है, मेरे वाले ये है, ये यहाँ के अकॉर्डिंग मेरे ये वाले हैं 65 पाउंड के। बॉक भी है यहाँ पे। तो भाइयों, यही है हमारा हाई क्रॉस मॉल, मतलब भाई बहुत सारी चीज़ें हो रहे हैं भाई, बहुत ब्रांड अब के एक एक दुकान दिखाते रह जाऊँगा ना तो बहुत लंबा व्लॉग बन जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं प्राइमार्क शॉपिंग करने के लिए। मेरे को यार, जैसे आपको बताया, मेरे को वो स्वेटर लेना है, स्वेटर कह रहा हूँ यार, वार्मर, ठीक है वो लेना है, तो चलते हैं वार्मर पकड़ते हैं। आपको प्राइमार्क भी दिखा देता हूँ कि कैसे पहुँच गया हम प्राइमार्क। लो भाई, आ गए हम मेन सेक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ कोई मेरे लायक कुछ मिल जाए। चलो भाई साहब, बड़ी ज़्यादा मुश्किल के बाद मेरे को ये टी शर्ट पसंद आई है, एक बार चेक करो। ठीक है, क्या अच्छी तो लग रही है वैसे, बट यार बात मेरे को लग नहीं रही इसमें यार, पता नहीं क्यों, चेक तो करो लेकिन क्या पता पसंद आ जाए, बट मेरे को तो चांसेस कम ही लग रहे हैं इसके, क्योंकि मैं बस ऐसे दो ऑलरेडी और हैं। चलो देखते हैं, करते हैं डिसाइड कोई नहीं। तो भाई हमारा प्राइमार्क, यहाँ पे कपड़े वपड़े, क्रॉकरी भाई, फ़ोन के कवर सब मिलता है यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलो मेरे को लग रही है भूख, मैकडी चलते हैं। वैसे काफ़ी टाइम हो गया यार, मैं घर पर भी नहीं कुछ खास बनाया, लेकिन आज खा लेता हूँ, उसके बाद से थोड़ा सा कम कर दूँगा। चलो, और ऊपर से मेरे कुछ खास पसंद आया भी नहीं यार, पता नहीं क्यों, मैंने मूड ही नहीं किया यार कुछ लेने का। चलो तो देखते फिर कभी आएंगे फिर ले लेंगे। दोस्तों देख लो, बाहर आते बारिश हो गई शुरू, अभी उससे पहले कुछ भी नहीं था, आधा घंटा हुआ हमको अंदर घुसे हुए, बारिश हो गई शुरू। ये है यहाँ का वेदर देख लो, किया तो मैंने वेजिटेरियन रैप है, अब देखते क्या होता, नॉनवेज ना आ जाए भाई, स्वैप वैप हो जाए क्या होता, नहीं क्या कोई भरोसा नहीं अंग्रेजों का। ये देख लो 000 प्रिपेयरिंग, मैं चार आ गए तो आयुष भी आ गए मेरा नाम, देख रहे हो भैया। ये देखो भाई हमारा रैप, बिग फ्लेवर रैप, और इनमें कोई फ्लेवर होता नहीं, इनका बहुत फीका होता है। हाँ नहीं नहीं ये बहुत अच्छा है, फ्लेवर है इसका। हाँ बहुत अच्छा, उल्टा ये देखो भाई, वीगन अप्रूव्ड है, वेजिटेरियन से भी ऊपर का। दोस्तों मेरे साथ हो चुका है स्कैम, अब बारिश होगी बहुत ज्यादा तेज यार। चलो भाई दोस्तों, ये बारिश हो रही है, बहुत हल्की हल्की हो रही है, लेकिन जब तक घर पहुंचूंगा ना तब तक गीला हो चुकाऊंगा यार मैं, जब तक घर पहुंचूंगा यार। कोई नहीं, चलते जल्दी जल्दी, थोड़ा तेज चलते हैं, कोई नहीं चलो, अभी कम होगी वैसे तो। चलो ठीक है भैया, ध्यान रखो अपना, ठीक है देख लेना बस तुम, कोई नहीं मैसेज कर देना। चलो बाय बाय। चलो भाई दोस्तों, सीधे चलते हैं घर पे, बारिश होगी थी शुरू यार, लेकिन क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत ही हो रही है बट इतनी तेज नहीं है, बट हो रही है यार, गीला हो रहा फालतू में क्या फायदा, जल्दी जल्दी घर चलते हैं और फिर उससे व्लॉग को करता हूँ। और उससे पहले मेरे को थोड़ी सी भूख लग रही है, मैं थोड़ा और खाऊंगा यार, एक रास्ते तो कुछ होने नहीं वाला। चलो जल्दी से घर चलते हैं भाई साहब, फाइनली घर में घुस चुका हूँ मैं। ओ भाई, अचानक से इतनी ज़्यादा ठंड हो गई ना, लगा लो 6 डिग्री पहुँच गया होगा, 5-6 डिग्री, इसके अंदर पहनना भी कुछ नहीं, ठंड इतनी ज़्यादा। चलो चेंज करते जल्दी से। चलो भाई अब चेंज वेंज कर लिए, अब मैं भाई लगा थोड़ा सा नैप लेने। ठीक है, तो मैं करता हूँ वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक, और कमेंट भी जरूर करना अपना फेवरेट पार्ट, और मेरे को बताना कि आपको सब्जी मंडी कैसी लगी हमारे लेसर की। ठीक है, तो भाई अब मैं सोने लगा हूँ। ठीक है, तो गुड नाइट, टेक केयर। ठीक है, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।